उदाहरण 15, यदि बहुपद px बराबर 2x धन 3 तथा बहुपद qx बराबर x की घात 2 धन x ऋण 2 है, तब बहुपद px गुणित बहुपद qx ज्ञात कीजिए। बहुपद px गुणित बहुपद qx का हमें गुणा करना है, तो बहुपद px हमारे पास है 2x धन 3 और दूसरा बहुपद qx है हमारा x की घात 2 धन x ऋण 2। इन दोनों बहुपदों का हमें गुणा करना है। इसके लिए सबसे पहले बहुपद का पहला पद 2x का गुणा करेंगे हम x की घात दूसरे बहुपद से, जो कि दूसरा बहुपद x की घात 2 धन x ऋण 2। इसके बाद पहले बहुपद का दूसरा पद है धन 3 का गुणा पुनः हम दूसरे बहुपद से करेंगे x की घात 2 धन x ऋण 2 से। जब यहां हम कोष्टक को खोलेंगे तो 2x का गुणा होगा x की घात 2 से धन, फिर 2x का गुणा होगा धन x से, तो 2x गुणित x धन 2x का गुणा होगा ऋण 2 से धन 3 का गुणा होगा x की घात 2 से, 3 का गुणा होगा x की घात 2 से धन 3 का गुणा होगा x से और अंत में धन 3 का गुणा होगा ऋण 2 से बराबर 2 x का गुणा x की घात 2 से x की घात 3 धन 2 x को x से गुणा करेंगे तो x की घात 2 धन को ऋण से गुणा किए, धन 2 को ऋण 2 से गुणा किए तो ऋण 4 x धन 3 x की घात 2 धन 3x धन का धन 3 को गुणा करेंगे ऋण 2 से तो ऋण 6 प्राप्त होगा। अब यहां पर हम समान घात वालों को पद को एक साथ लिखेंगे तो 2x की घात 3 धन 2x की घात 2 धन 3x की घात 2 ऋण 4x धन 3x ऋण 6। यहां पर सबसे पहले हमारे पास 2x की घात 3 जो कि पहला पद है जिसकी घात 3 है, अब यहां पे 2x की घात 2 धन 3x की घात 2 आपस में इसका योग होगा तो धन कोष्टक में हम लिखेंगे 2 धन 3, x की घात 2 को हम कोष्टक के बाहर लिखेंगे, धन कोष्टक के अंदर में हमारे पास यहां ऋण चिन्ह ऋण 4 धन 3 कोष्टक के बाहर हमारे पास x है ऋण 6 बराबर 2 x की घात 3 धन 2 धन 3 5 x की घात 2 धन ऋण 4 धन 3 बराबर ऋण 1 x ऋण 6 बराबर 2 x की घात 3 धन 5 x की घात 2 ऋण x ऋण 6। ये दो बहुपद का गुणा हमें प्राप्त हुआ और ये दो बहुपदों का हमने गुणा प्राप्त किया। यह इस उदाहरण का हल होगा।
करके देखें। इन बहुपदों का गुणा करके गुणनफल की घात बताइए। पहला बहुपद पी एक्स बराबर एक्स का वर्ग धन 3x धन 2। बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स का वर्ग धन 3x धन 1। दूसरा बहुपद पी वी बराबर वी का वर्ग ऋण 3v धन 2। बहुपद क्यू वी बराबर वी धन 1। तीसरा बहुपद पी एक्स बराबर 2x का वर्ग धन 7x धन 3। बहुपद क्यू एक्स बराबर 5x का वर्ग ऋण 3x। चौथा बहुपद पी वाई बराबर y की घात 3 ऋण y की घात 2 धन y ऋण 1। बहुपद क्यू वाई बराबर y धन 1। पांचवा बहुपद पी यू बराबर 3u का वर्ग ऋण 12u धन 4। बहुपद क्यू यू बराबर u का वर्ग ऋण 2u धन 1। हमने सीखा, पहला एक विशेष प्रकार का बीजी व्यंजक जिसमें अक्षर संख्या चर की घात पूर्ण संख्या हो तब वह बहुपद कहलाता है। दूसरा बहुपद के पद धन व ऋण चिन्ह द्वारा निर्धारित होते हैं। तीसरा बहुपद के गुणांक एक संख्या होती है जो अक्षर संख्या के साथ गुणा में लिखी गई होती है। कभी कभी संख्या को अक्षरों द्वारा दर्शाते हैं तब गुणांक संख्या ना होकर अक्षर होते हैं। उदाहरण ए एक्स धन बी में x का गुणांक a है। चौथा किसी बहुपद में उपस्थित सभी अक्षर संख्या का गुणांक शून्य होने पर वह शून्य बहुपद कहलाता है। पांचवा किसी भी संख्या को बीजी व्यंजक व बहुपद कह सकते हैं। 3, 5, 6 और ऐसे बीजी व्यंजक व बहुपद दोनों हैं। छठवा केवल संख्या वाले बहुपद जहां बहुपद में केवल संख्या हो या अक्षर संख्या जो नेतांक हो को अचर बहुपद कहते हैं। सातवा किसी बहुपद में चर अक्षर संख्या की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। उदाहरण बहुपद x की घात 5 धन 3x की घात 3 धन 2x की घात 5 है। आठवां बहुपदों को px, qx, rx आदि से व्यक्त किया जा सकता है जिसमें कोष्टक के भीतर लिखी अक्षर संख्या बहुपद की अक्षर संख्या को दर्शाती है। नौवां ax धन b एक घात व एक चर का बहुपद है जहां a, b वास्तविक नियत संख्याएं हैं जहां a बराबर शून्य नहीं है। दसवां घात 2 के एक चर के बहुपद को वर्ग बहुपद कहते हैं। ग्यारहवां जब किसी बहुपद का मान चर के किसी मान के लिए शून्य हो जाता है तो चर का वह मान बहुपद का शून्यक होता है। बारहवां रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स धन बी जहां ए बी वास्तविक नियत संख्याएं हैं और ए बराबर शून्य नहीं है। तेरहवां वर्ग बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी जहां ए बी सी वास्तविक नियत संख्याएं हैं और ए शून्य नहीं है। चौदवां त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स की घात 3 धन बी एक्स की घात 2 धन सी एक्स धन डी जहां ए बी सी डी वास्तविक नियत संख्याएं हैं और ए का मान शून्य नहीं है।